नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम गार्डनिंग एंड क्रिएटिविटी में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने टेरेस गार्डन पे लगे हुए प्लूमेरिया यानी चंपा के प्लांट को। तो देखिए कभी कितनी खूबसूरत इनमें फ्लावरिंग हो रही है। इसके बाद अब विंटर शुरू होने वाले हैं तो इनमें बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होती है, इसीलिए मैं आज इसे दिखा रही हूँ। मेरे पास ये चार कलर में हैं चंपा के प्लांट। काफ़ी खूबसूरत प्लांट है गर्मियों के सीजन का। और देखिए ये है रेड कलर का प्लांट है, ये रेड कलर है, काफ़ी खूबसूरत कलर है ये, और पूरी गर्मी हमें फूल देता है। जिन लोगों के पास टाइम की कमी है और गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो उन लोगों के लिए बेस्ट प्लांट है ये गार्डनिंग करने के लिए। फ्लावरिंग के साथ साथ अच्छी खुशबू इसकी है। तो जहाँ पर आपकी तेज़ धूप है उन एरियाज पे इन्हें लगाइए। काफ़ी लो मेंटेनेंस है, ये देखिए बंच में खिलते हैं इसके गुच्छे। काफ़ी दिन तक ये चलता है, जो बंच ये निकला है पूरा महीना ये निकल जाता है, ऐसे ही खिला रहता है। अब मैंने लगाया है एक बड़े से ड्रम में वाइट कलर का छोटा फूल जो चंपा का होता है वो लगाया है। उसी की जड़ में मैंने ये यूफोर्बिया मिली लगाई है। देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है। जैसे ही चंपा में से पत्ते गिर जाएंगे और ये प्लांट फूल उसमें रहते हैं, गमला हमारा खाली नहीं दिखता है, पॉट जो है, तो इसीलिए मैं जड़ में इनमें कुछ लगा देती हूँ। चूँकि ये विंटर में अपने सारे पत्ते गिरा देता है तो खाली सा पॉट हो जाता है, इसी वजह से मैंने ये लगा के रखा है। और ये चंपा पहले भी दिखाया था बड़ा फूल वाला वाइट कलर का जो था, ये देखिए ये है छोटे फूल वाला प्लांट मेरा, और इसमें भी विंटर में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होती। पर ये प्लांट हरा भरा रहता है, काफ़ी अच्छा प्लांट है ये भी। जो भी प्लांट मैंने इसके लगाए हैं चंपा के, इनकी जड़ में मैंने कुछ ना कुछ फ्लावरिंग प्लांट लगाया है। ये एक प्लांट मेरा ये है, ये लाइट पिंक कलर का है, कभी थोड़ा सा डार्क पिंक हो जाता है कभी लाइट। इसको भी 20 लीटर की पेंट की बकेट में लगाया है, काफ़ी बड़ा प्लांट हो रहा है ये। और देखिए अब अपने पत्ते ये गिराना शुरू कर दिया इन्होंने। अब विंटर जैसे ही शुरू होती हैं तो सारी पत्ते इनके गिर जाते हैं, और फिर जैसे फरवरी स्टार्ट होता है तो इनमें नई लीव्स और फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। बस ये 2-3 महीने ये फ्लावरिंग नहीं करेगा, 2 महीने। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है और ऐसे प्लांट कोई ढूंढ रहे हैं आप जो लो मेंटेनेंस हो, तो इसे ज़रूर लगाइए अपने गार्डन पे। और ये लास्ट प्लांट है मेरा, देखिए कलर है इसका जो है वाइट और येलो कलर का है, काफ़ी सुंदर है ये भी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।